हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सुबह मैं जल्दी उठ गया था, लगभग 5 बजे के बाद मैंने सारी की सारी वीडियो एडिट करी, अपलोड करी थे। हम उठ के हमने ये ब्रेकफास्ट के लिए फुलके बनाए हैं। तो यहाँ पे बात आती है गर्ल्स वर्सेस मी, देख लो। और गोल वाले भी बनाए हैं, पर वो थोड़ा सा आज गोल नहीं बना इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। तो बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद बाहर चलते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। मैं तो ये सोच के निकला था बाहर के मौसम अब तक ठीक हो गया होगा, पर मौसम ने तो आतंक मचा के रखा है इस देश में। और ये देखो आज फिर से यहाँ पे पड़ गई है बर्फ, वो भी बहुत ज़्यादा वाली। बताओ किस कदर ठंड है यार इस देश में। और ये व्यू तो हमें कभी भी निराश नहीं करता। तो अभी हमारे पास एक ही काम है, वो है ऑब्वियसली टाइम लैप्स लेने का। हमारा प्लान था जो हमारा शो आ रहा है उसके लिए एपिसोड की शूटिंग करने, पर आज बारिश की वजह से कुछ भी नहीं शूट हो पा रहा। और यहाँ पे इतना बड़ा सारा पिंपल हो गया है, तो बारिश है, हम ऑब्वियसली अब कल शूट करेंगे। कल के लिए हमारी पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बिहाइंड द सीन्स मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा। अभी ये थोड़ा सा जो व्यू है इतना अच्छा सा, और इतने तेज तेज बादल चल रही हैं, हम कैसे मिस कर सकते हैं। इनका ले लेते हैं एक तगड़ा सा टाइम लैप्स और फिर उसके बाद अंदर चलते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ सुरनकोट में। यार मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली हम यहाँ पे नहीं होने वाले, क्योंकि मेरा कॉलेज भी खत्म हो जाएगा, तो हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। एक साइड पे कॉलेजेस भी लगे हुए हैं, एक साइड पे मुझे शूट करने हैं एपिसोड्स, तो क्या किया जाए। कुछ सारी की सारी क्लासेस नहीं लगती, इसलिए इनको शोर करने देते हैं। हाँ कर लो, हो गया, अभी नहीं हुआ। तो अभी सारा कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। मैंने ये सोचा है कि मैं ना अपने व्लॉग्स की जो लेंथ होती है लेंथ कम करके हम 5 to 6 मिनट्स कर देंगे। और आने वाले टाइम में कुछ अरसे के लिए जब मेरे एग्जाम्स होंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं रोज़ 10 मिनट का व्लॉग अपलोड कर पाऊंगा, तो 2 या 3 दिन का एक व्लॉग बना के हम अपलोड किया करेंगे अपने चैनल के ऊपर। फिलहाल अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, और चल के अपने एपिसोड का जो हमारी शूट होने वाला है उसकी तैयारी करते हैं। The next day. तो आज है दूसरा दिन, दूसरी सुबह। यहाँ पे व्लॉग करने को कुछ भी नहीं था, पूरे दिन लगातार बारिश होती रही और मैं पूरे दिन यहाँ पे सोता रहा। इनफैक्ट उठ के मैंने बहुत लेट फुलके बनाए, बहुत लेट सुबह का खाना खाया, फिर बहुत लेट दिन का खाना खाया, फिर जल्दी जल्दी रात का खाना खाया, और फिर सुबह उठ के मैंने व्लॉग एडिट करा। आज फिर से हमने जाना है शूटिंग पे, तो मैं रेडी होता हूँ, तो निकलते हैं हम अपना एपिसोड शूट करने के लिए। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं ना सीधा तैयार होके निकलते टाइम पे आप लोगों से मिलता हूँ। आज लगाए मैंने अपने बहुत पुराने वाले जूते जो एक यहाँ से फटे हुए, और ये मैंने खुद सीले थे, पता है ये एक्सीडेंट में फटे थे, बहुत बुरा हाल हुआ था उस बार मेरा, हड्डियाँ टूटी थी, पसलियाँ टूटी थी। और ये है कुछ बाहर का सुरनकोट का मौसम आज का। ये है हमारी पीछे वाली गली और संग्योट की पार्किंग, यहाँ पे अभी मुझे ये गाड़ी मिल गई है, इसी गाड़ी में मैंने बैग रखा है। ऑल दो इस गाड़ी में और कोई बंदा नहीं है मेरे अलावा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से जड़ा वाली गली, क्योंकि आधा घंटा और बंदे सवारियाँ आएंगी तो ही जाएगी गाड़ी, ऐसे खाली गाड़ी जाने नहीं वाली यहाँ पे। मैं सोचता हूँ यहाँ पे लोग टॉक्सिक हैं, पर कुछ लोग बहुत अच्छे वाले भी मिल जाते हैं। आपका नाम? मोहम्मद रफीक। और आपका? मोहम्मद शरीफ। ये हमें यहाँ पे कुछ बंदे मिले हैं, मैंने सोचा था कि मतलब मैं ना कहीं पे कैमरा निकालूंगा तो लोग गालियाँ या बेइज्जती बहुत ज़्यादा लोग कर देते होते हैं, तो इसलिए मैं निकालता नहीं होता मैक्सिमम लोगों के सामने। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही प्यार फैलाते रहो। दैट्स इट, हेक्टिक होने वाला आज का दिन, मिलते हैं वंस वी रीच जड़ा वाली गली। अभी मैं हूँ जड़ा वाली गली, मैंने वो उधर छोड़ दिया और मैं आगे आ गया थोड़ा व्लॉग करने के लिए। ये है जड़ा वाली गली का स्कूल। एक मन करता है कि यहाँ पे जाके अपने पुराने टीचर्स को सरप्राइज़ व्लॉग बनाऊँ ऐसा कुछ करके, जैसे बाहर के देशों के स्टूडेंट्स बनाते हैं, पर यहाँ पे मुझे छितर ही पड़ जाने या फिर कुछ वैसा वाला रिएक्शन नहीं मिलने वाला, तो इसलिए मैं नीचे नहीं जाने वाला। यहाँ पे नीचे सरप्राइज़ करना तो दूर की बात है, अगर किसी ने व्लॉग करते हुए भी देख लिया तो भी बात बन जानी है ना, कि हमारे ना थोड़े से सब्सक्राइबर्स तो हम मूव आउट कर देंगे, हम स्टेट से ही मूव आउट करेंगे और आप लोगों को बाहर की स्टेटों में घुमाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भरपूर। आज का मौसम भी थोड़ा टैंगी सा है, और आ रहे हैं हमारे वकार पसवाल,
वो पहुंच जाएं, तो उसके बाद हम करेंगे शूट स्टार्ट। मेरा ड्रीम था ऐसे कुछ ना कुछ शूट करने का, कुछ नया करने का, और आज वो पूरा हो रहा है। शुक्र है, सभी हॉर्न मारते होते हैं, जब भी ऐसे पास से कोई भी गाड़ी गुजरती हो ना तो ऐसे कैमरे को देख के हॉर्न स्टार्ट हो जाते हैं, पर इसने बंदे ने हॉर्न नहीं मारा। लव यू सर। वाली गली से हम निकल आए, आज के हमारे गेस्ट पहुंच गए हैं यासर लिखारी भाई। पहले व्लॉग में भी आपने देखा यही थे हमारे साथ, और दूसरे व्लॉग में भी हमारे कुछ पार्ट्स रह गए थे उसके शूट करने के लिए, तो वही शूट करने के लिए हम आए। वकार भाई हमारे साथ हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और तो उनको हमें जरा से भी बॉदर नहीं करना चाहिए। लोकेशन पे पहुंच के हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं, हो सका थोड़े थोड़े बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा। ये शो लिट जाने वाला है, लाइक मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और यासर भाई को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, हद से ज्यादा एक्साइटेड है हम, तो ना वो बिहाइंड द सीन्स में मिलते हैं। ऑल सेट, कार्ड्स हमारे उल्टे उल्टे पकड़ लिए मैंने, ये मेरे हाथ में। अभी हमारी शूटिंग जो होने लगी है स्टार्ट, पीछे उनकी तैयारियां चल रही हैं, उनको थोड़ा मेकअप कर लेने देते हैं। तो या मैं तब तक ये पढ़ लेता हूँ मुझे क्या 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 करना है, सारा कुछ तैयारियां कर लेता हूँ, करते हैं शूट। बीच बीच में मैं ब्रेक लेते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँ कैसी जा रही है हमारी शूटिंग। कई रात ने सोंदे कई बैठ के और होंदे रात ने सोंदे कई बैठ के और होंदे। शूटिंग तो हो गई है हमारी डन, बस कुछ एडिट वगैरह करना है, और उसमें कुछ साउंड इफेक्ट्स हमने ऐड करने हैं। और मौसम देख सकते हो आप, मौसम आज फिर से नाराज हो गया। शूटिंग हो गई है कंप्लीट, और मैंने बोला था कल के व्लॉग में कि मैं अपनी पूरी की पूरी टीम से मिलाऊंगा। ये हैं आज के हमारे गेस्ट यासर लिखारी। यासर लिखारी लिपस्टिक लगवा लगवा के बताने क्या क्या हालत करवाता है वो अभी की अभी वैसी की वैसी चिपकी हुई है। यासर लिखारी ये मेंडर से हैं और बहुत तगड़े वाले सिंगर है, इनका यूट्यूब पे चैनल है यासर लिखारी, एक बम सिंगर है। इनको हमने शॉर्ट लिस्टेड किया था 150 पीपल्स में, 150 बंदों में से, और इनके साथ जो हमने वो आज का जो एपिसोड था वो शूट कर लिया है, वो आएगा इनके चैनल के ऊपर। इनका चैनल कौन नहीं देखता, सबको सपोर्ट करो। और हाँ निकलते हैं हम अभी, बहुत ज्यादा नहीं, ये देखो बादल छाए हुए हैं और बारिश आई हुई है, जाके एडिट भी करना है अपलोड भी करना है, तो निकलते हैं यहाँ से। जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे निकलने लगे मुझे एक बात याद आ गई, और मैंने इनको फिर से गाड़ी से बाहर बुला लिया मैंने, इसलिए कि मैंने आपका ना शुक्रिया अदा कर, इस बात का शुक्रिया व्यूअर्स को बताए। अरे देखो ना हमारी मोनेटाइजेशन एक महीने के अंदर एनेबल होगी, और हमारी जो अर्निंग है वो भी स्टार्ट होगी सिर्फ इनकी वजह से, सिर्फ इनकी वजह से। लाइक हमारी जो पहली मुलाकात हुई उस ब्लॉग, इनसे गुरु दक्षिणा लेने वाले। अरे 35,000 व्यूज पे है अभी वो ब्लॉग। अच्छा, लिटरली मतलब मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। ऐसा है कि जब मेरी वजह से कोई भी ग्रो, सेम तो मेरा भाई है, चाचे का बेटा है, बहरहाल मेरी वजह से कोई भी चैनल ग्रो होता है, वल्लाहुल अज़ीम मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। अरे दिल से मुझे भी, मुझे इतनी खुशी है। आज भी ठंड लगी हुई है इनको भी, तो बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं हम। वापसी का रास्ता हमने ऐसे ही लिया, और रास्ते में ये देखो बारिश हो गई अचानक से स्टार्ट। यहाँ से आगे मुझे नहीं लगता मैं कुछ व्लॉग कर पाऊंगा, तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। मुझे लग रहा है कि मतलब मैं ना अपने व्लॉग्स जैसे मैं बनाता होता था उनसे भटक रहा हूँ, तो कल से मैं कोशिश करूँगा जैसे मैं पहले व्लॉग्स बनाता होता था वैसे ही व्लॉग्स बनाया करेंगे। यही थी हमारी आज की वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड। अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। देखो यार बारिश में भी व्लॉग करना पड़ रहा है, इतना तो कर ही सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। Sing all the corners.